तो हेलो गाइस, वेलकम टू व्लॉग चैनल। आप लोग स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। तो गाइस, अगर आप लोगों ने कल वाला व्लॉग नहीं देखा है तो जाके जरूर वॉच करना, और वो फनी रील्स वाले तो गाइस जरूर जाके आप वॉच करिएगा मेरे व्लॉग। तो गाइस, अभी रात की बज रही है 10:30 और मैंने अपनी ब्लॉगिंग की है स्टार्ट। और गाइस, आज थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया था थोड़े काम की वजह से। क्या करें, मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं तो कुछ ना कुछ जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहती है। आज काम पे था तो सर ने थोड़ा सा डांट दिया, तो उसकी वजह से कुछ ज़्यादा मूड ऑफ हो गया और सर भी दर्द हो रहा है। तो किसी से बातचीत करने का मन नहीं, पर मैंने कहा नहीं यार, मेरे जो सब्सक्राइबर है उन लोगों के लिए रेगुलर वीडियो नहीं लाऊंगा तो फिर वो लोग मुझे वॉच ही नहीं कर पाए। तो आप लोगों के लिए मैं रेगुलर वीडियोस लाता रहूँगा। और गाइस, अभी 6 दिनों बाद हमारी है दिवाली। भाई, दिवाली मनाने का देखो, अभी से लोगों घर में लाइट लगना स्टार्ट हो गई है। और भाई, जहाँ पे मैं काम करता ना वहाँ पे पूरी जगह चकाचौंध हुई भी है, सब जगह लाइटिंग्स है, वहाँ पे पूरी पब्लिक की दबा के भीड़ है और लोग दबा के शॉपिंग कर रहे हैं भाई अपनी। और मैंने भी अपनी शॉपिंग कर ली है और घर के लिए सामान भी लिया है। अब बस हमारे घर पे लाइटिंग लगना बाकी है। और भाई, उसके बाद हमारे आने वाला है बिहारियों का सबसे फेवरेट त्यौहार है, जो हमारे होती है छठ पूजा, जो हमारी माता श्री करती है। पर इस बार माता श्री नहीं कर रही है क्योंकि माता श्री इस बार जा रही है मामी के पास दिल्ली। तो शायद मेरा जाना भी हो सकता है, अगर छठी मैया ने बुलाया तो बिल्कुल जाएंगे, तो वो मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात है और मेरा सबसे फेवरेट है। मैं जब जो छोटा था तो मम्मी बहुत टाइम से छठ पूजा कर रही है, मैक्सिमम मम्मी को 20-22 साल हो गए छठ पूजा करते हुए। तो गाइज, आप समझ सकते हैं छठ पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। मतलब इंसान 4 दिन का व्रत होता है, 4 दिन का मैक्सिमम व्रत होता है। जिस दिन हमारा जो पहला दिन होता है वो नहाए खाए का दिन होता है, उस दिन मेरी मम्मी नहा धुआ के प्रसाद बनाती है। उसमें भाई अपने प्रसाद में होता है लौकी की सब्जी, लौकी की दाल, और वो भी घी के तड़के वाली है। जो प्रसाद का जो टेस्ट होता ना है क्या ही बता ही नहीं सकते। और फिर वो होता है हमारा लोहांडा, जिसमें खीर और रोटी का प्रसाद बनाया जाता है, जिसको खाने के लिए भाई हमारे गली के हर औरत बच्चे सबको बुलाया जाता है, सबको इनवाइट किया जाता है। और वो कहता ना कि हर किसी को, मतलब वो कहता ना कि नसीब नसीब वालों को मिलता है। तो छठ पूजा का प्रसाद भी ऐसा ही है कि हर किसी को नहीं मिल पाता, जिसका नसीब उसको मिल जाता है। और बाकी छठी मैया सब पे आशीर्वाद बनाए रखे, आप लोगों पे भी बनाए रखे और मुझ पे भी बनाए रखे। जैसा मैं चाहता हूँ मैं मेरी लाइफ में वैसा जरूर पाऊंगा। बस वही है, मुझे लगातार मेहनत करती रहनी है और मैं छठी मैया से ये मनाऊंगा कि मेरे लिए वो चीज़ें जरूर करें, और मैं अपनी तरफ से भी पूरी मेहनत करना चाहूँगा। और भाई, सबसे जो छठ पूजा का सबसे मेन जो होता है, 2 दिन का जो होता है, जिसमें मम्मी बिना अन्न पानी के व्रत चालू होता है। 36 घंटे बिताना बिना अन्न और पानी के, और उसी हालत में आपको अपने घर से घाट तक पैदल जाना और उसके बाद ठंडे पानी में खड़े रहना, सूर्य देव को अर्घ देना, बहुत मुश्किल बहुत कठिन व्रत हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन रहता है। मतलब आप देख सकते हैं कि एक देवी देवता के रूप में मेरी जो माता श्री है, उस दिन 4 दिन का जो व्रत होता है, उस दिन मैं मेरी माता श्री को देवी के रूप में मैं देखता हूँ, मैं उनसे हमेशा आशीर्वाद लेता हूँ। लाइफ में हर चीज़ें हमें समय पर नहीं मिल पाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नहीं मिलेगी, अगर हम मेहनत करेंगे तो बिल्कुल मिलेगी। और मैं भी अपनी मेहनत लगातार करता रहूँगा, चाहे मुझे लोग कुछ भी बोले भाई, कुछ भी बोले XYZ, चाहे मुझे कोई गालियाँ दे चाहे कुछ भी करे, पर मैं मेहनत करता रहूँगा, आप लोग के व्लॉग लगाता रहूँगा। गाइज, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट जरूर करना, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज।